जी जी हमने बड़ी कोशिश की है, मगर वेरी सैड हम सारा कुछ बचा नहीं सके। मुकामी लोगों में से किस किस के पास घोड़े हैं? पिंडी पॉइंट पर भी सवारियों के लिए लोगों ने चंद घोड़े पाल रखे हैं, और मामा अकबर को भी अक्सर घोड़े पर देखा गया। अच्छा, मामा अकबर। तो ऐसे करो, सारे इलाके की नाकाबंदी कर दो और मामा अकबर को फौरन यहां लाओ, किसी भी हाल में। कितना जुल्म हुआ है, कितना जुल्म हुआ है, इतना क्या? इतना जवाब दूं फिर तो बड़ा मजा आएगा। चंद मेरे मखना, चंद मेरे। चन मेरे मखना, एक पल तक ना इधर हंसना प्लीज। Yes, Mr. License Inspector. Would you like to say something in your justification? मैं अपनी justification में सिर्फ sorry कहना चाहता हूँ। ऐसे नहीं, जुर्माना होगा। जुर्माना? No problem. ये देखो, ये क्या है? ये हमने रिसर्च के लिए बुर्बन जाना था ना? हाँ। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें रेस्ट हाउस की इजाजत दे दी है। अच्छा, खुदा के लिए रोना ना शुरू कर देना प्लीज। रोना मत, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चाय खाना शुरू करो। मेरा जी नहीं चाह रहा। लेकिन क्या करें, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। चलो मेरे बेटा, चलो मैं खुद डाल कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा सा खाते, कोई मसला नहीं। शाबाश, दिल ना भी चाहे ना तो बस थोड़ा थोड़ा खाते हैं हम, वरना मैं ऑफिस में भूखा रहूंगा। ठीक है, चलो। साहब जी, ये लेटर आया है। ठीक है बाबा, क्या है? देखने दो, बताए ना।
खुशखबरी है और क्या खुशखबरी ये है कि मैं डीएफओ से चीफ कंजर्वेटर हो गया। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ये तो चले खुशखबरी वाली बात होगी। बाबा आप कुछ और भी कह रहे थे। बेटा दूसरी खुशखबरी नहीं है शायद, वो ये कि मेरी मरी पोस्टिंग हो गई है। ठीक है ना, मामा के बजाय तो यहाँ दिल भी नहीं लगता। हाँ बेटा यहाँ तो दिल नहीं लगता लेकिन मरी में तो वो कलम कलम पर याद आएगी। चलो मैं अभी सेक्रेटरी साहब से बात करता हूँ, खाना तो खत्म करो। क्या वश इतनी रात इधर क्या करने आया? तुम्हें एक जरूरी इत्तला देना था। ये तुम्हारे साथ ये कौन है? ये अपना दोस्त है, फिक्र ना करो। अच्छा अच्छा बेटो क्या इत्तला? डीएसपी ने कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश खुद शुरू कर दी है और पूरे इलाके की नाकाबंदी है। नाकाबंदी भाई, ये लोग तो परदेसी लोग है, इलाका तो हमारा है। हाँ पर तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। देखो दिलबर खान, हम मानते हैं अपने कत्ल तो किए लेकिन खुदा कसम हमारा जमीर मुतमईन है। अगर पुलिस हमको मुजरिम समझते तो समझे, मगर मगर क्या? वो यार जब तक हम अमीर बाबू वो छोटे पलवाशा से नहीं मिलेगा, खुदा का कसम हम पुलिस की हाथ नहीं आएगा। मगर तुम्हारा लाहौर जाना ठीक नहीं है मामा। वो क्या ठीक है क्या गलत है ये तो माँ बाप को मत समझाओ भाई, जो अपना काम करो अब जो। अच्छा मामा, वो ये क्या? ये तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान है। हो देरा देरा मेरे बनी यार, रख लो रख लो, नाराज नहीं होना। देखो अब उम्र हमारे ऐसे है ना, हम समझता नहीं है कभी कभी। अच्छा और ऐसा करो तुम बैठो, मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। नहीं मामा अब मैं चलता। यार ये तो कोई बात नहीं हुआ। अच्छा ठीक है भाई, मामा का दिखा रो रही है। खुदा पामान मामा, मामा का दिखा तो खुदा पामान।
तो अपना जंगीर है वे। क्या हो तुम्हें, बाहर किस तरह आ गए? दान है बंदे, तुम्हें ख्वाब में भी पलवचा की रूह नजर आने लगी है और कोई रूह शू नहीं है। मुझे मार देगी बादशाह। जाओ निकल, देखो कौन है, जाओ। ओए शुक्र कर यार, हम आ गए हैं, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। उठ 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 शाबाश। आप कमरे से बाहर कैसे आए? यही सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। ये बताए बगैर ही बाहर क्यों आए? बताए बगैर ही बाहर क्यों आए? बस अब तुम सबको बता रहा हूं, ये यहां नहीं रहेगा, हम इसका वहीं इलाज करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चले ने अंदर लेके चले। आता के अद्धी रात को डर के ये बाहर निकले और सुबह मुर्दा हालत में मिले, खबरदार। बस अरे जंगीरे, अब तुझे अपने डेरे पे लेके चलेंगे, हम तेरा खुद इलाज करेंगे। तुमसे और डॉक्टर से मैं सुबह बात करूंगा। आप डॉक्टर साहब से तो क्या डॉक्टर, बस बम होगी है, अब सुबह बात होगी, बड़ा मजा आएगा। चलो आए आराम से। तरह रोना है और किसी की बात नहीं माननी तो आमिर ने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। अरे बेटी, अपने बाबा को परेशान मत करो, वैसे भी उसका दिल नहीं कर रहा भूरवन जाने के लिए। तो फिर क्यों जा रहे हैं, वो मत जाए ना। अरे बनी, इसी का नाम नौकरी है, क्या करें, वैसे भी वो जगह तुम लोगों के लिए मनहूस है। तुम्हारी माँ को अटैक उधर हुआ, तुम पर साया उधर हुआ, आमिर को हादसा उधर हुआ। ये बात तो ठीक है खरमान, लेकिन हमारी बेटी भी तो हमें वही बूरबन से मिली। बाबा। बेटा, भाई हम तुम्हें इसलिए नहीं बूरबन लेके जा रहे हैं कि तुम्हारी स्टडी का खर्च होगा और फिर देखो ना तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं वहां जा रहा हूँ तो अपनी खाला माँ को इसीलिए तो मैंने यहाँ बुलवाया है। देखो तुम्हारी हरकत से खाला माँ नाराज हो गई है। अरे इसकी बला से इसे किसी की क्या परवाह? नहीं नहीं खाला माँ, ऐसी बात भी तो नहीं है, ये बेचारी तो बिल्कुल जिद नहीं करती, सबकी बात मानती है। देखिए अभी हम मना कर देंगे, ये भूबन हमारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी। अच्छा भाई ऐसा करते हैं, हाँ मुझे याद आया, इसके बाद तुम्हारी छुट्टियां भी तो होनी है ना, ठीक है ना, एग्जाम्स के बाद छुट्टियां होंगी और फिर गर्मियों में हम ऐसा करेंगे कि तुम्हें वहां बुला लेंगे, तुम और खाला अम्मा दोनों वहां आना, हम फिर तीनों खूब घूमेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है ठीक है ना? ठीक। शाबाश, देखा मान गई कि नहीं मान गई? मान जाती, अब तो गुलाब आजा परेशान हो गई है। और फिर सुनो शाम के साथ अब मेरी घर मौजूदगी में लड़ाइयां भी नहीं होंगी। अच्छा बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि शबजी को फोन भी कर देता हूँ, अंकल भी आके तुमसे मिलते रहेंगे, ठीक है? मैं अभी फोन करता हूँ उसको। शाबाश। हेलो शिवजी। जी बोल रहा हूँ। हाँ आमिर, क्या हाल है? अच्छा फिर पॉसिबल हो गई तुम्हारी भूरबन? भाई लगता है ये भूरबन तो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया। हाँ हाँ तुम फिक्र ना करो, हम मुकद्दस का ख्याल रखेंगे। हाँ उसकी आंटी को भी बता दिया। ओके ओके फिर मुलाकात होगी। राइट हो, खुदा हाफिज। आमिर का फोन था भाई, उसकी फिर भूरबन पोस्टिंग हो गई। वो क्यों भाई? तरक्की हो गई है,
चीफ कंजर्वेटर बन गया है वो। वाह भाई, मिठाई खिलाई नहीं और इतला दी है। मिठाई किस बात की बेटी, वो तो खुद बहुत परेशान है। मुकद्दस भी अकेली रह गई है और उसने तो अपनी खाला को भी बुला लिया। मुकद्दस के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है, हम लोग हैं ना यहाँ पर। वैसे भी मैं खुद आती जाती रहूंगी उसके पास। आपको पता है मुकद्दस मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं सोच रही हूँ बस अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो मैं उसे बहू बनाकर घर ले आऊंगी। ओहो, ये तुम इतनी क्या बेवक्त की राजनीति शुरू कर देती हो। आपको गुस्सा क्यों आ जाता है हमेशा इस मौजूद में? कभी आपने शाम से भी मर्जी पूछी है उसकी मुकद्दस के लिए? तुम दोनों माँ बेटे का तो दिमाग खराब हो। चीफ कंजर्वेटर बनने की मुबारकबाद नहीं दूंगा। जैसे आपकी मर्जी सर। पूछो तो नहीं क्यों? जी पूछने की हिम्मत तो कर रहा हूं मैं कि क्यों भाई। मुबारकबाद तब दूंगा जब तुम वहां से कामयाब लौटोगे। मैं समझा नहीं सर। देखो हमें बहसियत DFO तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। शुक्रिया सर। चीफ बनाकर तुम्हें बूरबन भेजने की एक खास वजह है, एक मकसद है। जी सर। बल्कि एक मिशन है। देखो देखो ये है वो नक्शा, ये वो खास इलाका है जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी। मैं पूछ सकता हूं सर कि इस इलाके में क्या खास बात है? जंगल के इस इलाके में, खासकर इस एरिया में रात को अचानक आग लग जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि कोई बला है, बल्कि कोई अचानक अंधेरे में आग लगाकर गायब हो जाता है। ये सर ऐसे कई वाकयात पहले भी सुन रखे हैं मैंने। मेरे ख्याल है आमिर ये टिम्बर माफिया का काम है जो इस किस्म के हथकंडों से लोगों में खौफ फैलाना चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन इदारे की रिपोर्ट यह है कि यहां कोई खून बला है। हो सकता है सर। लेकिन मैंने भी महकमा जंगलात की बला का इंतखाब किया है। थैंक यू सर। हकीकत क्या है आमिर, यह न सिर्फ मालूम करना है बल्कि मिशन भी मुकम्मल करना है। आप फिक्र न कीजिए सर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देखो वहां का DFO बिल्कुल नया है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट मुझसे बात करनी होगी। तमाम सहूलियात तुम्हें मयसर की जाएंगी और इस बात का ख्याल रखना कि यह काम एक महीने के अंदर अंदर तुम्हें मुकम्मल करना है। सर मैं पहले भी महकमा जंगलात के लिए और वतन के लिए जिंदा था और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होगा। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और अदारे का नाम रोशन करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या मुसीबत है यार, मैं तो जब से मरी में आया सिर्फ यही ड्यूटी दे रहा हूं। क्या हुआ सर? यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सेठी साहब ने रेस्ट हाउस बुक कर दिया। सर स्टूडेंट का तो ये हक है ना जी। क्या खाक हक है, यूनिवर्सिटी की लड़कियां ऑफिस जाकर ही हंस हंस के बात की होगी। रेस्ट हाउस बुक हो गया, ड्यूटी हमारी लग गई। सर ये ग्रुप किधर से आ रहा है? लाहौर। ओ माय गॉड, आज तो चीफ साहब ने भी आना है। आमिर साहब ने, तुम जानते हो आमिर साहब को? जी सर, बड़े अच्छे आदमी जी, पहले DFO थे जी यहाँ पे। अच्छा सर, वो हेड ऑफिस से फोन आया था, वो कह रहे थे जैसे ही आमिर साहब वहां से रवाना होंगे हम आपको इतला कर देंगे। और उनकी रिहाइश हो गया सर? सारा इंतजाम हो गए। बस तो ठीक है। आप कहीं जा रहे सर?
हाँ यार सुना है माल रोड पे बड़ा रश है, मैं मेरा चक्कर लगा के आता हूँ। हाँ हाँ तुम ऐसे करना कि अगर कोई फोन वगैरह आए तो कहना कि साहब काम से गए हैं। ओके ठीक है, काम तो होते रहेंगे बाद में। बड़ा मजा आएगा। और ये जो है ना जंगली कबूतर का सूप है, पहाड़ी कौवा भी है, बिल्कुल ठीक हो। वैसे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तू सवाल बहु करना है। ओ जंगिरिया ज्यादा सवाल ना किया कर, बस समझ ले के तूने बहु देर कर दी है। लेकिन खैर कोई गल नहीं, अब बादशाह की बारी है, बादशाह की। मगर हम क्या करें बादशाह? और नहीं नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, करना तो सब कुछ मैंने है। क्या? अगर मैं तुझे दास देवा कि मैं तेरी बेटी मुकद्दस को भी जानता हूं और मैंने आमर को भी देखा है तो फिर? हाँ एक जमाने में मैं आमल बनने के चक्कर में था, जिन्नों को काबू करना सीख रहा था। उस वक्त उधर मत जाना, उधर मत जाना। ये देखा तुमने, मेरे सारे अंदेशे ठीक निकले ना, अब तो मेरी बात पे यकीन आ गया तुम्हें। इसका मतलब है कि उस शैतानी ताकत ने तीनों कत्ल किए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसे मैंने कमरे तक महदूद कर दिया है। लेकिन उस कमरे में अंदर जाने की कोई कोशिश ना करे वरना जान का खतरा हो सकता है। अब क्या होगा? बुरा ना मिला, ये मेरे इख्तियार से बाहर है, हम किसी और का बंदोबस्त करें। ऐसे नहीं, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, बैठ जाओ मेरी बच्ची, बैठ जाओ। इस घर में रुकना भी खतरनाक है। आप मुझे छोड़ आए। समझ आई? हाँ हाँ बादशाह, ये वही लोग हैं बादशाह, वही लोग हैं। बस तो फिर ठीक है। ओए उस वक्त तू कल्ला था, ओए बच्ची वापस नहीं करनी थी, ओए बेवकूफ अदालत से जीत कर बाजी हार गया। मैं क्या करता बादशाह? अब मैं करूंगा, बच्ची भी वापस आएगी, जायदाद भी मिलेगी और वो मामा अकबर उसे तो हमारा आदमी ढूंढ रहा है। मामा अकबर मिलते सही बड़ा मजा आएगा।
इस कार्ड की क्या जरूरत है भाई साहब? रखें, मुझे यकीन हो गया है। तुमको तो यकीन हो गया बहन जी, लेकिन जमाना यकीन करने का नहीं है, इसलिए कार्ड दिखाया था। बहन जी, इसको हमने बहुत अरसे से हिफाजत में रखा था। आपका जिक्र आमिर की जबानी सुन चुकी हूँ, अब मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? नहीं नहीं बहन जी, खिदमत तो हम करेगा, लेकिन क्या करें, हम गरीब आदमी है, सिर्फ आमिर सबको दुआ दे सकता है। वो सायरा बीबी का पता चला था, दिल बहुत उदास था, मिलना चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरियां था। वो आमिर साहब से सिर्फ अफसोस करना था बस। कैसी अजीब बात है, आज ही आपको वक्त मिला है और आज ही आमिर मरे रवाना हो गए। क्या वो फिर? हाँ, वो वहां पर चीफ हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। शुक्र है, नेक आदमी था, अल्लाह और तरक्की देगा। आमीन। वो हमारा छोटा परवशा किधर है? आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। मुकद्दस, मुकद्दस बेटा, बूझो तो भला कौन आया है? बाबा तो नहीं हो सकते। बेवकूफ, आज ही तो वो गए हैं, वापस कैसे आएंगे? तो फिर शाम होगा। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। फिर कोई स्कूल फ्रेंड होगी? जी नहीं। अच्छा चलें, जो भी है ना उसे कह दें कि मुकद्दस घर में नहीं है, उससे नहीं मिलना चाहती। बूरबन से मामा आए हैं। मामा? हाँ, पलवशा के मामा, कह रहे थे वो मिलना नहीं चाहते। नहीं 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 नहीं, ठहरे ठहरे, पलवशा के मामा, मैं उनसे जरूर मिलूंगी। हमारा बच्चा परवशा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया। मामा, आप इतने दिनों बाद क्यों आए? बैठो बैठो, हम सब बताएगा, बैठो। अरे बच्चा। मामा जी, आप इतने दिनों बाद क्यों आए हैं? हम तो सोच रहा था कि तुम बोलेगा कि मामा इधर क्यों आया है। याद नहीं आती होगी? हाँ, नहीं आती, भूलने का बहुत कोशिश करता हूं, बहुत अरसे से, आखिर थक गया, हार गया, आ गया। आप कुछ खाएंगे? नहीं बच्चा, तुमको देख लिया ना, हमारा पेट भी भर गया, दिल भी भर गया, आंखें भी भर गया। बच्चा, तुम ऊपर क्या कर रहा था? खेल रही थी। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे पास खिलौने तो बहुत होएगा। खिलौने तो बहुत से हैं, मगर अपना कोई नहीं। तुम्हारे पास तो बहुत खिलौने होंगे, बिजली पे चलने वाला, बैटरी पे चलने वाला, बहुत कीमती कीमती। लेकिन मेरा बच्चा, ये देखो, ये मट्टी का खिलौना है, देखो
परवशा जब छोटा था ना तो इन्हें खिलौने से खेलता था। देखो ये सब देखो, ये देखो ये छोटा छोटा ये लो कैसा है मामा जी, ये कितने प्यारे हैं। शाबाश बच्चा, तुमने हमारा दिल रखा, हम बहुत खुश हुआ। इसमें तुमको वतन की मिट्टी का खुशबू आएगा मामू, और पलवशा का प्यार भी इसमें शामिल है।